हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे हम लेखे एक और धमाकेदार सेशन जी हाँ दोस्तों समय हो चुका है स्पेशल सेशन का और आज के सेशन में क्या रहने वाला है खास आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको हम पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं सीखने वाले हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल स्वागत सत्कार अभिनंदन शुरुआत करता हूँ एक शानदार सेशन की और आई होप आप सभी लोग आज के सेशन के लिए तैयार होंगे सेशन की शुरुआत करने से पहले Uh, कुछ खास शब्दों के साथ में इस सेशन को देते हैं। आगाज की लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं तो अगर आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा अगले एक घंटे के इस सेशन के अंदर हम उन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को टच करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले प्रश्न की जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये था हमारा लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन सवाल को अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा और फिर अपना बेस्ट जॉब देने का कोशिश करिएगा मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो आपके पॉल भाई साहब को तब तक आप सवाल को अच्छे से पढ़े और ऑप्शन को समझने का प्रयत्न करें क्वेश्चन इजी है तो इसको समझा जा सकता है और समझ के इसको जवाब किया जा सकता है <coughs> सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑडियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन रेंज ऑफ डी यानी कि डेसीबल लॉस कैक्टराइज बाई माइल्ड हियरिंग लॉस कितना डेसिबल लॉस जो है माइल्ड हियरिंग लॉस के अंदर काउंट होगा ऐसा सवाल ने आपसे पूछा है और आपको इसका जवाब देना है माइल्ड <coughs> लॉस के साथ में आंसर होना चाहिए सभी के माइल्ड हियरिंग लॉस जो है वो किसको कहते हैं ऐसा यहाँ पे बोला गया है तो इजी सवाल है माइल्ड हियरिंग लॉस किसको कहते हैं और अब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं पोल को तो आपको क्या करना है अपने आंसर को आपने सोच लिया एंड अब आपका पॉल स्टार्ट होता है जो आप सभी को देना है एक मुश्त देना है एक साथ देना है पॉल के स्टार्ट हो चुके के बाद में अब देना है फटाक से जवाब दे दो स्पीड के साथ में माइल्ड लॉस स्पीड के साथ में जवाब होना चाहिए वैसे हम इस सवाल के बारे में ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी और हमने यही बोला है कि जब आपको ईयरिंग लॉस के बारे में पूछे और डेसिबल साउंड का पूछे तो माइल्ड ईयरिंग लॉस किसको कहते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है uh, हम डेसिबल साउंड की बात करें तो जीरो से लेके 25 डेसिबल जो होता है जीरो टू 25 डेसिबल ये जो रहता है ये नॉर्मल रहता है मतलब देर इज नो ईयरिंग लॉस इसको नॉर्मल कहते हैं है ना वैसे आप एक और इम्पोर्टेंट बात सुनी की अगर अस्सी डेसीबल से ज़्यादा साउंड हो अस्सी डेसीबल से ज़्यादा साउंड हो तो वो ईयरिंग लॉस में कैलकुलेट होता है ये एक मोटी मोटी बात है वो एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन है लेकिन जब हम माइल्ड मॉडरेट सीवियर और प्रोफाउंड ईयरिंग लॉस की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत ऐसी है कि अगर जीरो से पच्चीस डेसीबल हो तो उसको हम नॉर्मल कैटेगरी में काउंट करते हैं जीरो टू ट्वेंटी फाइव डेसीबल जो है ये एक नॉर्मल कैटेगरी में काउंट होता है इसके बाद में ये जो कैटेगरी यहां पे लिखी हुई है ये इंग लॉस की कैटेगरी है अगर 26 से लेके, याद रखना 26 से लेके 40 है, तो ये माइल्ड वाली कैटेगरी में आएगा जो कि आपके क्वेश्चन ने पूछा है है है? कि नहीं 26 से 40 वाला बोले तो ये माइल्ड इंग ट्वेंटी सिक्स टू फोर्टी डेसीबल हा गुड मॉर्निंग टू तो ऑल अभी इधर फोकस करें बच्चों दूसरा इकतालीस से पचपन डेसिबल है इसको मॉडरेट हियरिंग लॉस कहते हैं दिस इज मॉडरेट एंड टू ये सीवियर हियरिंग लॉस है सीवियर और मैंने बोला अगर सेवनटी वन से अब हो जाए तो ये प्रोफाउंड कैटेगरी के अंदर काउंट करेंगे प्रोफाउंड कहने का मतलब है चार अलग अलग कैटेगरी है अलग सवाल तो ईजी हो गया क्योंकि इसमें मुझे माइल्ड हियरिंग लॉस का ही पूछा है लेकिन चार अलग अलग कैटेगरी है और उसमें पहली कैटेगरी जो मेरी आती है वो माइल्ड हियरिंग लॉस की और माइल्ड हियरिंग लॉस में नंबर कितना जाएगा ट्वेंटी करेक्ट है uh, मैं ना ऐसा कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था तो इस पर तो आपका इतना काम होना चाहिए था सभी का कि सर एकदम जबरदस्त हम आंसर इसका करके आएंगे लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जवाब जो है वो गलत हुआ है तो इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करने की बात है बच्चों कि सवाल पढ़ने के बावजूद भी हमारा गलत हो रहा है तो यह मामला थोड़ा सा क्या कहलाएगा गंभीरता के साथ में कहलाएगा और नाइन्टी भी प्रोफाउंड प्रोफाउंडरिंग लॉस की कैटेगरी में आएगा है ना अबव नाइनटी भी प्रोफाउंड प्रोफाउंडरिंग लॉस की कैटेगरी में आएगा ये भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न आपके स्किन के ऊपर है छोटा सवाल आंसर छोटा नहीं होना चाहिए सवाल छोटा है लेकिन

place the client's right arm in a dependent sling and keep the client's right arm on the bed side bed side her uh, beside her bed beside her and place the client's right arm across her body Option पकड़ पाया हूं मैंने राइट right मैस्टेक्टोमी किया है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से और यहां पे बोला है कि आप उसके बाद में क्या करोगे चार ऑप्शन यहां पे दिया है योर पॉल स्टार्ट नाउ जवाब एक मुस्त लिखना है और जिन बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है पूरे जोश से अगरबत्ती लगा के सेशन को एकदम हाँ हाई प्रोफाइल तरीके से अटेंड करिएगा हर सवाल का जवाब देना है हर सवाल का जवाब पूरे मन से देना है मजा बहुत आएगा हर सवाल का जवाब पूरे मन से देना है मजा बहुत आएगा हम्म टोटल मास्टर कमी <coughs> अब हमने कई बार इस सवाल को पढ़ा है ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है जब ब्रेस्ट कैंसर है और आप यहाँ पे टोटल मास्टमी करते हो इसका मतलब आप एंटायर ब्रेस्ट को हटा देते हो और लिम्प नॉड वगैरह को रिमूव कर देते हैं तो होने की रिस्क है एडिमा जिस साइड का आपने ये ब्रेस्ट रिमूव किया है उस साइड में ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहेगा और ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहता है तो उस साइड में क्या होने की रिस्क है एडिमा होने की रिस्क है एडिमा को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जिस जगह पे एडिमा होने की रिस्क होती है उस जगह को एलिवेट कर दो जैसे लेग में एडिमा होता है तो लेग का एलिवेशन कर दो और अभी ब्रस्ट में एडिमा है तो ब्रेस्ट या हैंड में एडिमा होने की रिस्क है तो आप एलिवेट कर दो उस क्लाइंट के उस हैंड को कौन से हैंड को राइट आर्म को क्योंकि उधर की तरफ ही सर्जरी हुई है और एक पिल्लो लगा के राइट आर्म शुड भी एलिवेटेड है ना जिससे राइट आर्म में एडिमा नहीं होगा इसको एलिवेट कर दो ताकि यहाँ का जो फ्लूड है वो ड्रेन होता रहे कॉन्स्टेंटली ड्रेनेज होता रहे मरीज के राइट right आर्म को डिपेंडेंट पोजिशन में रखोगे नहीं रखना इससे क्या होगा इससे एडिमा आ जाएगा इट <coughs> कॉज एडिमा कीप द क्लाइंट्स राइट आर्म ऑन द बेड बी साइड सर उसकी तरफ उसकी तरफ मतलब ऐसे करवट लिया तो ऐसे अगेन इट कॉज अडीमा हम एक और बात पढ़ते हैं यहाँ पे जिस साइड का ये ब्रश रिमूव हुआ है जिस साइड में एडिमा होने की रिस्क है जैसे राइट आर्म है तो राइट साइड से मरीज का बीपी भी नहीं लेना है वहाँ पे आपका सैंपल भी नहीं लेना है तो अवॉइड अवॉइड बीपी अवॉइड ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर नहीं लेना है अवॉइड वैनी पंक्चर उधर का वैनिक पंक्चर भी नहीं करना है राइट आर्म का वैनिक पंक्चर भी नहीं करना है उधर साइड का ब्लड प्रेशर भी नहीं लेना है और उधर साइड में ये तो आपको करना है ये चीज़ें नहीं करनी अवॉइड करनी है तो अब डेफिनेटली आंसर ये बन जाएगा वैसे मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब लिखा है क्योंकि कंसेप्ट बहुत ईजी है और प्रीलिम्स का सवाल है नॉर्थ सेट के प्रिलिम में ऐसा सवाल कई बार पूछा जाता है या ब्रस्ट के बारे में इसके रिमूवल के बारे में और एडिमा का कंसेप्ट जरूर आता है ये बीपी नहीं लेंगे ये जरूर, जरूर कंसेप्ट आता है वैनिक पंक्चर नहीं करना है उस साइड में ये जरूर आता है ये यहाँ के अलावा एक जगह और आता है और वो किस में आता है जब मरीज को हमें डायलाइसिस करना है इमो और मैं आर्टिफिशियल फिस्टूला बनाता हूँ आर्ट्रियोविनस फिस्टूला तो जो फिस्टूला है उसकी उसमें भी सेम कहानी चलती है कि फिस्टूला वाले हैंड में आपको क्या नहीं करना है ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है है ना ब्लड प्रेशर नहीं लेना वैनिक पंक्चर नहीं करना है पेटेंसी को मेंटेन करना है वो बॉल दे के ऐसे हैंड को एक्सरसाइज करवाना है जिससे मरीज जो है उसके अंदर जो है फिस्टूला जो है वो पेटेंट रहे और कॉन्स्टेंटली जो है फिस्टूला सही से वर्क करता रहे दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग गोट इट लेके चलो आगे अगला प्रश्न आपके स्किन के ऊपर हर सवाल यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा हर सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है ध्यान रखना और मोस्ट प्रोबेबली इस एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे ये सवाल सवाल कह रहा है एक न्यूरोलॉजिकल एक न्यूरोलॉजिकल कंसल्ट हम कर रहे हैं ऑर्डर किया है पीडियट्री क्लाइंट को विथ सस्पेक्टेड एप्सेंस सीजर एपसेंस सीजर पेटिटमाल एपिल एप्सी न्योनेटल सीजर स्टरिंग इफेक्ट वाला सीजर हाँ हिमोडायलिस पेशेंट में यूरिन नहीं आता क्या हाँ बिल्कुल यूरिन नहीं आएगा तभी तो हेमोडायलिस करेंगे बच्चे यूरिन आएगा तो क्यों नहीं करेंगे सिलेंद्र सर की मैराथन लगवाने का फेवर के लिए मैं भी हूँ अच्छा एक मैराथन लगा दो सर की बहुत बढ़िया शिवांगी हम कोशिश करेंगे है ना वैसे मैराथन सभी सब्जेक्ट की आ ही रही है बैक टू बैक और फंडामेंटल जो है उसकी मैराथन हो चुकी है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कोई सब्जेक्ट रह जाएगा और डेफिनेटली सर की वैसे रोज़ क्लास होती है है ना और मैराथन लगा देंगे अभी मेंस की एग्ज़ाम भी होना है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे डोंट वरी है ना और हाँ आपको फेवर करने की ज़रूरत नहीं है हमारी हर फैकल्टी जो है अपने आप में एकदम धुआंधार है और सबके फेवर हम करने के लिए तैयार है तो आप चिंता ना करें आप तो बैठ के पढ़े जो पढ़े जा रहा है है ना बच्चे और चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपके लिए ही सब कुछ हो रहा है जो भी चीज़ें जो भी हो रहा है जितने भी क्लासेज रहती है वो सब आप ही लोगों के लिए है ताकि आप अच्छे से पढ़ो बैठो और समझो और सुबह सुबह पढ़ाई पे फोकस करो है ना इन बातों पे फोकस नहीं करके अगर पढ़ाई पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा ताकि आप हर क्लास को पढ़ोगे समझोगे सीखोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे चीज़ों को इसलिए सुबह सुबह बातें नहीं भाई ये बातें करने के तरीके होते हैं और मुझे भी बातों में लाने के तरीके आप लोगों के डोंट लाइक डोंट डू दिस यू हैव टू फोकस ऑन स्टडी है ना सभी का जो है पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए सुबह सुबह तो ज़्यादा मज़ा आएगा है ना हाँ, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है न्यूरोलॉजिकल कंसल्ट ऑर्डर किया एक को जो सस्पेक्टेड है सीजर 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 कौन सा है seizure, और वाले मरीज में एक्सपेक्टेड क्या है कौन सी चीज एक्सपेक्टेड एबसेंट सीजर में आप क्या देखोगे है ना तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ मसल कॉन्ट्रेक्शन जर्किंग मूवमेंट अगला लिखा हुआ है एब्रप्ट लॉस ऑफ मसल टोन एंड ब्रीप ल इन कॉन्सियसनेस पॉल स्टार्ट नाउ जो आप सबको लिखना है स्पीड के साथ में लिखना है पूरे मन से और पूरे उत्साह से लिखना है एफसेंस सीजर वैसे सीजर के अलग अलग टाइप मैंने आपको बताए थे और उस टाइप के अंदर उस टाइप के अंदर जो है हमने एक तो टाइप पढ़ा था जनरलाइज सीजर एंड वन मोर टाइप इज पार्सल सीजर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरलाइज एंड पार्सल सीजर जनरलाइज सीजर जनरलाइज सीजर वो सीजर होता है जो कि जिसमें होल ब्रेन इज इन्वॉल्व और मरीज अनकॉन्सियस हो जाता है और ओरा उसके अंदर एबसेंट होता है पार्सल सीजर जो होता है उसमें पार्सल पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व होल ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व पार्सल पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व एंड क्लाइंट जो है वो कॉन्शियस रहता है सीजर के एक्ट से ओरियंट रहता है पहले सेंसरी लॉस होता है फिर मोटार इन्वॉल्वमेंट होता है इस तरीके के सीजर को पार्सल सीजर कहते हैं जब एक मरीज में सीजर ऑर्डर हुआ न्यूरोलॉजिकल मरीज में सीजर ऑर्डर हुआ और मरीज सस्पेक्ट हुआ उसमें एबसेंस सीजर है सीजर बोल दो पेटिट माल एपिलेप्सी बोल दो पेटिट माल एपिलेप्सी बोल दो एपिलेप्सी बोल दो चाइल्डहुड सीजर बोल दो चाइल्डहुड सीजर बोल दो चाइल्डहुड सीजर बोल दो सीजर बोल दो पेटिट माल एपिलेप्सी बोल दो ये सब ये तमाम तरह के जो है बातें वहाँ पे सीजर के मरीज में रहती है अब एपसेंस सीजर के मरीज में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप पहला शॉर्ट एब्रप्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन क्विक बाइलेट्रल सीवियर जर्किंग मूवमेंट एबरेप्ट लॉस ऑफ मसल टोन एंड ब्रिप लैप्स इन कॉन्शियसनेस छोटा सा सवाल है इजी सवाल है जवाब दिया जा सकता है वैसे सब बच्चों ने जवाब लिखा होगा और मैं सच समझता हूँ कि सही जवाब लिखा होगा आप लोगों ने पेटिन माल एपिलैपसी या चाइल्डहुड सीजर की कहानी क्या रहती है इसमें बच्चा जो है डे ड्रीमर्स होता है डे ड्रीमर्स डे ड्रीमिंग को एक एग्जाम में सॉरी साइकेटमिक एक और टर्म से जानते हैं और वो टर्म कौन सा है, है? कोई भी बच्चा डे ड्रीमर्स है दिन में खुली आंखों से सपने देखने वाले बच्चे को क्या कहते हैं बताओ फैंटेसी क्या कहते हैं फैंटेसी में रहता है फैंटेसी होती है फैंटेसी मतलब खुली आंखों से सपने देखता है तो ये बच्चा क्या होता है हर पाँच सेकंड के अंदर इसमें सीजर आ जाता है सीजर आता है हर पाँच सेकंड में और खुली आंखों से ये अनकॉन्सियस रहता है और पाँच सेकंड बाद में फिर लौट के आता है फिर पाँच सेकंड के लिए चला जाता है ऐसा दिन में इसके बाद सो सो बार हो जाता है जब ये बेहोश होता है तो एकदम ऐसे स्टरिंग इफेक्ट देता है फिर ऐसे करता है तो उस समय क्या हुआ था इस दुनिया में इसको पता ही नहीं है खुद को इस तरह की कहानी चलती है इस सीजर के अंदर तो यहाँ पे शॉर्ट एब्रप्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है एब्रप्ट मसल कॉन्ट्रेक्शन तो टॉनिक फेज में होता है तो यहाँ पे कोई टॉनिक फेज नहीं है कॉन्ट्रेक्शन जो होता है वो टॉनिक फेज में होता है क्विक सीवियर जर्की मूवमेंट ये क्लोनस है जर्की मूवमेंट को बोलते हैं क्लोनस मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो जाना मसल का रिजिड हो जाना ये तो हो जाता टॉन बढ़ जाना और उसमें जर्की मूवमेंट होना ये क्लोनिक फेज है लॉस ऑफ मसल टॉनिक दिस इज ए टॉनिक ये ए टॉनिक है ये क्लोनिक है क्लोनिक और ये टॉनिक है एक है एक है क्लोनिक ए टॉनिक हमें ये सीजर नहीं पूछा हमें सीजर पूछा है ब्रिफ ले कॉन्शियसनेस यानी कि ब्रिप्स अनकॉन्सियसनेस एक मरीज में ब्रिप अनकॉन्सियसनेस हो जाना यह एफेंस सीजर का सबसे पहला इंडिकेशन है एफसेंस सीजर का सबसे पहला इंडिकेशन है कि मरीज शॉर्ट टाइम के लिए ब्रिफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा बेहोश हो जाएगा और यह पांच सेकंड की बेहोशी रहती है सवाल अगला इस सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है है ना देखो एफेंस सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस जब भी आपको एग्जाम में पूछे यहां पे तो आपका जवाब क्या हो गया आपका जवाब हो गया डी एंड दैट इज स नाइन्टी फाइव परसेंट बच्चों का सही है अब इस एब्सेंसर की ड्रग ऑफ आप चॉइस आपको पूछे ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी तो यहाँ पे है इतो सुमाइड इतोमाइड सुसी ग्रुप की दवाई है इतो इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीजर अलग अलग सीजर की अलग अलग ड्रग ऑफ चॉइस है सीपीजेड नहीं है बच्चे सीपीजेड तो एंटीसाइकोटिक ड्रग है हैं बेंजोडाइजेपाइन नहीं होती है डाइजेपाम इसकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है रिया ने बिल्कुल सही लिखा है सोडियम well नहीं है, well है, है कार्बामजिया की और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया की ट्राइजेमिनल न्यूरजिया पोस्ट हर्प्रेटिकार्सल सीजर इन तीनों जगह पे ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में नहीं में तो फिर भी गाबा पेंटिन गा लेते हैं ट्राई जमिनल ठीक है और पार्सल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इनकी ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामा जेपाइन कार बाइन ठीक है जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर यानी कि जीटीसीएस टी सी टॉनिक क्लोनिक सीजर या स्टेटस एपिलेप्सी स्टेटस एपिलेप्सी का मतलब होता है सीजर आया और बिना कॉन्सियसनेस ज्ञान के लगातार आ ही रहा है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है डाइजेपाम डाइजेपाम स्टेटस एपिलेप्सी और Uh, जो है आपका जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है नियोनेटल सीजर अगला सवाल पूछा जाता है नियोनेटल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है नियोनेटल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है फिनो बारबिटोन क्या है फिनो बारबिटोन फिनो बारबिटोन फेनीटोन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस सर किसी की नहीं है फेनीटोन यूज इन मैनी सीजर्स बट इट इज नॉट ए ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में अगर सीजर आ रहा हो यानी कि इक्लेम्सिया मतलब प्रेगनेंसी में आने वाला सीजर विद हाइपर टेंसन प्रोटीन यूरिया एडिमा तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एम जी एस ओ फोर मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इक्लेम्पटिक सीजर कौन सा सीजर इक्लेम्पसिया की वजह से होने वाले सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है माल एप्लेप्स की बात कर ली मैंने न्यून सीजर की बात कर ली जनरल स्टोनिक क्लोनिक सीजर की बात कर ली पार्सियल सीजर की हमने बात कर ली ड्रग ऑफ चॉइस हमने यहाँ पे पूछी है अगर मैं बात करूँ पोस्ट एर्पेटिक न्यूरोलिया की पोस्ट एर्पेटिक न्यूरो पी एच एन तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी जाएगी ड्रग ऑफ चॉइस एनालीन गाबा, एना गाबा पैंटिन गाबा, यह एक वर्ड है, 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 है तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है और ये स्टेटस जो है आपका माल या चाइल्डहुड सीजर ये आपको बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्टश क्वेश्चन याद रखना है अगला सवाल आपकी स्किन के ऊपर हर सवाल कुछ न कुछ नया सिखा के जाएगा ये बात तो तय है और हर पन्ने पे कुछ नया होगा आपको साथ साथ में लिखते है रहना है यूनिवर्सल एंटी कन्वर्जेंट किसको कहते हैं अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में यूनिवर्सल एंटी कन्वर्जेंट तो आपका जवाब क्या होना चाहिए सोडियम वेल्फ्रेंट जो कुछ बच्चे बार बार लिख रहे हैं सोडियम वेलफ्रेंट इट इज ए यूनिवर्सल एंटी कन्वर्जेंट यूनिवर्सल मतलब जब कोई एंटी कन्वर्जेंट काम ना करे जब कोई झाड़ा ना लगे तो फिर उत्कर्ष वाला झाड़ा लगाओ एग्जाम को करेक्ट करने के लिए पढ़ पढ़ लो चाहे कहीं से सलेक्शन होगा यहीं से है ना टैग लाइन जो है आपने सुनी होगी वैसे ही है कि अगर सीजर किसी से ना लिखे ना रुके तो कोशिश कर लो सबसे और सीजर रोकेगा सोडियम वेल्परेट आपका अपना सोडियम वेल्परेट है ना अगला सवाल सवाल कह रहा है विच एक्टिविटीड टू द ईयर ओल्ड विद रिमोटेड आर्थराइटिस बारह साल का बच्चा है ट्वेल्व ईयर ओल्ड चाइल्ड है और उसको जुएनाइल रिमोटोइड सा एक्टिविटी बेस्ट सुटेड एक्टिविटी है कैसी एक्टिविटी है बेस्ट सुटेड एक्टिविटी है बहुत अच्छा सवाल है पहला लिखा हुआ है प्लेइंग वीडियो गेम्स स्विमिंग वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल एंड प्लेइंग स्लो पिच सॉफ्ट बॉल चार बातें यहां पे लिखी है रिमोटोइड आर्थराइटिस का मरीज है बेस्ट सुटेड ट्वेल्व ईयर ओल्ड चाइल्ड कौन सा एक्टिविटी बेस्ट है चार एक्टिविटी हमने यहां पे लिखी है चार एक्टिविटी लिखी है एक्टिविटी चार लिखिए बेस्ट सुटेबल एक्टिविटी कौन सी है बारह साल के बच्चे में जिसमें जूनाल रिमोटर आर्थराइटिस है प्लेइंग वीडियो गेम्स स्विमिंग वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल्स एंड प्लेइंग स्लॉप पिच सॉफ्टबॉल इतना इजी सवाल है जो आप सारे के सारे लिख सकते हैं रिमोटर आर्थराइटिस का मरीज ह सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है रोमेटोर आर्थराइटिस में इस पर फोकस करके जवाब देना है इस रोमेटो आर्थराइटिस बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको उस बात पर फोकस करके जवाब देना है ये हेमोफीलिया नहीं है याद रखना कि तुम स्विमिंग पे फोकस करो है एक बीमारी होती है हेमोफीलिया कई बच्चे क्या पढ़ कुछ और रहे और जवाब कुछ और दे देते हैं उनको लगता है कि वो वही है जो वो पढ़ रहे हेमोफीलिया में स्विमिंग अलग है ऐसा हम बोलते हैं है ना यहाँ बीमारी अलग है यहाँ बीमारी अलग है और तुम हीमोफीलिया का खोपड़े में रखे और स्विमिंग बेस्ट है स्विमिंग बेस्ट है ये जवाब मत दे देना क्योंकि बीमारी आर्थराइटिस है मैंने बीमारी का नाम बदला हुआ है बच्चों अब प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोच नहीं पाते ना ये समझे कौन है ना बदलने दो हीमोफीलिया ओन आर्थराइटिस हो हमारे तो ऑप्शन में पक पकड़ में आना चाहिए कुछ भी टिका देते हैं हैं स्विमिंग आया है ऑप्शन में टिका दो स्विमिंग समझ रहे हो मेरी बात को रिमोटल आर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें जॉइंट में पेन होता है इसमें क्या होता है बीमारी में इस बीमारी में जॉइंट में पेन होता है जॉइंट पेन तो हम जब बच्चे को 12 साल का बच्चा है और उसके लिए हम एक्टिविटी जब प्लान करते हैं तो वो एक्टिविटी हमें प्लान नहीं करनी है जिससे जॉइंट में पेन बढ़ता रहे हाँ अब तो जवाब दे दिया सर बहुत बढ़िया किया है ना अब जवाब दे दिया तो बदल भी सकते हो अगर बदलने का मन करे तो है क्या कर सकते हैं जो दे दिया वो दे दिया जो खोटा हो गया वो खोटा हो गया इस बार इस एग्जाम में भी आपको अट्ठारह मिनट बीस क्वेश्चन मिलेंगे एक पोर्टली बंद हो जाएगी वो पोर्टली दोबारा नहीं खुलेगी जो सोचा जो समझा वही हो जाएगा मामला है कि नहीं हाँ तो यहाँ पे जॉइंट पैन होता है तो पहला लिखा है प्लेइंग वीडियो गेम्स ए स्विमिंग वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल प्लेइंग स्लो पिच सॉफ्ट बॉल अब आपको यह भी पता होना चाहिए जॉइंट में पेन तो यहां पे होता है लेकिन किस में होता है स्मॉल जॉइंट में किस में होता है स्मॉल ज्वाइंट में छोटे ज्वाइंट जो होते हैं ना इसमें जल्द होता है ऐसा कुछ बच्चों ने अभी यहां पे लिखा है वो बात सही है इन इस बीमारी में स्मॉल जॉइंट में पेन होता है अब मान लो बच्चा अगर वीडियो गेम खेलता है वीडियो गेम में क्या होता है उसकी अंगुलियां मुंह करती है सै तो उसको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पेन होगा है ना एक ऐसा गेम है जिसमें उसकी अंगुलियों के मूवमेंट ज़्यादा होते हैं वैसे ही अगर वो प्ले कर रहा है स्लो पिच सॉफ्ट बॉल तो यहाँ पे भी उसकी फिंगर्स के मूवमेंट फास्ट होते हैं अगर वो खेल रहा है पजल वर्किंग क्रॉस वर्ड पजल तो पजल में भी उसके फिंगर्स के मूवमेंट होंगे वो सारी एक्टिविटी जिसमें स्मॉल जॉइंट के मूवमेंट होते हैं उसमें उसका पेन बढ़ जाएगा लेकिन स्विमिंग के अंदर आपको फिंगर्स के मूवमेंट की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर तो बी ही है ये अच्छी बात हुई कि आपने कुछ भी सोच के जवाब दिया हो लेकिन जवाब स्विमिंग चला गया ए हाँ इससे स्मॉल इस जॉइंट में पैन नहीं होगा जो आप स्विमिंग चला गया है यह आपके पक्ष में बात आई है वैसे तो हेमोफीलिया में बेस्ट है आपने तो नहीं सोचा होगा स्मॉल जॉइंट में पैन हो रहा है इसलिए स्विमिंग करवा रहे आपने तो हेमोफीलिया के हिसाब से टिकवा दिया पर हुआ क्या था आंसर सही हो गया और आप इस बात को लेके ये बात का आपको पता नहीं था इसका आंकलन मैंने कर लिया आपको डरा के तो मुझे पता चल गया कि आप क्या सोच के जवाब दे रहे थे तो 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 आपकी सोच तो थी ये बात तय तो पर रामचंद्र का आशीर्वाद था में पैन होता है, ये आपको ध्यान रखना इस बीमारी के अंदर की खासियत है प्यारा दोस्तों अगला सवाल जय हो जय हो अगला जय और विजय लेके आया है ग्लाइकोसाइलेट इमोग्लोबिन ऑफ ए फोर्टी ईयर ओल्ड क्लाइंट विद द डायबिटीज मेलाइटस इज टू पॉइंट फाइव परसेंट द नर्स अंडरस्टैंड दैट टू पॉइंट फाइव परसेंट वैल्यू आई है ग्लाइकोसाइलेट इमोग्लोबिन की क्या समझे आप द क्लाइंट कैन हैव ए हायर कैलरी राइट द क्लाइंट हैज गुड कंट्रोल फॉर आर डायबिटीज द क्लाइंट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन अर इंसुलिन डोजेस द क्लाइंट हैज़ पुअर कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज़ ग्लाइकोसाइलेट इमोग्लोबिन ढाई आया है ढाई हाँ चलिए लगाता हूँ पोल सोच के जवाब लिखेगा ढाई ग्लाइकोसाइलेट इमोग्लोबिन पे आप क्या सोचते हो इस बात को लेके अब ग्लाइकोसाइलेट इमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन ए इमोगलोगीन A1C, और हिमोग्लोबिन ए की वैल्यू आई है टू परसेंट याद रखना टू वैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए की वैल्यू शुड भी लेस देन 5.5 पॉइंट परसेंट फाइव परसेंट से 6 से 5.6 परसेंट से कम होनी चाहिए अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू की और ये नॉर्मल मानी जाती है अगर ये इससे कम है तो ठीक है अगर इसकी वैल्यू हम कहते हैं कि ए की वैल्यू आपकी फाइव पॉइंट सिक्स से सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट के बीच में तो इसको हम जो है प्री डायबिटिक कहते हैं प्री डायबिटिक कहते हैं ये पूरी डायबिटीज़ भी नहीं है प्री डायबिटिक है अगर 6.5 से 7.5 है सॉरी 6.5 से ज्यादा है तो इसको हम डायबिटीज वाली कैटेगरी में रखेंगे डायबिटीज लेकिन नॉर्मल किसको बोलते हैं इट शुड बी लेस देन 5.5 और लेस है ना 5.6 से कम होनी चाहिए वो डायबिटीज वाली कैटेगरी है तो ये प्री डाइबिटिक वाली कंडीशन नहीं है ये तो ढाई है तो ढाई तो इससे कम है कम को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल तो एक गुड कंट्रोल वाला डायबिटीज है ऐसा यहाँ पे कई बच्चों ने जवाब लिखा है लेकिन एक बात बताओ साढ़े पांच से कम है पर ढाई तो बहुत ज्यादा कम होने का रिस्क नहीं है और अगर इतना कम है तो हो सकता है कि वो मरीज बार बार हाइपोग्लाइसीमिया में रह रहा हो है ना एक डायबिटीज मरीज पहला लिखा हुआ है हैवे हायर कैलोरी डाइट दूसरा है ठीक है ये नॉर्मल ऐसा बोल रहा है तीसरा कह रहा है कि एडजस्ट करना इंसुलिन की डोज को हो सकता है कि वो इंसुलिन ज़्यादा ले रहा हो और ज़्यादा इंसुलिन ले रहा हो तो उसको बार बार हाइपो हो रहा हो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है कंट्रोल है ठीक है चार होना चाहिए पांच होना चाहिए लेकिन ये तो ढाई हो रहा है थोड़े दिनों में एक हो जाएगा डेड हो जाएगा और एक यहाँ पे लिखा है क्लाइंट एज पुअर कंट्रोल ऑफ हर डायबिटीज डायबिटीज़ का पुअर कंट्रोल है तो पुअर तो नहीं है ये जवाब तो नहीं होगा क्योंकि पुअर कंट्रोल में साढ़े बारह होता ये साढ़े बारह नहीं होकर टू पॉइंट फाइव है तो कौन सा आंसर ज़्यादा बेटर है थोड़ी सी शक्कर खिला दो उसको ऑप्शन में नहीं है ना बच्चे बाकी तो खिला देते इसमें लिखा है हायर कैलोरी डाइट अच्छा ए ऑप्शन कह रहे हो शक्कर खिला रहे हो बताओ जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए चार ऑप्शन हमने लिखे है डी तो सबसे खोटा है ये गलत कर दिया हमने हमारी तरफ से ही कर दिया ये कह रहा है कि जरूरत है इंसुलिन की डोज को एडजस्ट करने की ना तो यहाँ पे डोज दी हुई है ना ये लिखा हुआ है कि वो इंसुलिन ले रहा है हो सकता है वो ऐसे ले रहा हो या कहा लिखा हुआ है कि वो इंसुलिन ले रहा है कहीं नहीं लिखा हुआ है मां खोटा जो आप है ना इंसुलिन ले रहा हो इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है हमें तो सिर्फ एवनसी की वैल्यू की इंफॉर्मेशन है बस मरीज को हायर कैलरी डाइट क्यों दे देंगे हाइपोग्लाइसीमिया कहाँ लिखा हुआ है और एवन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साढ़े पांच से कम होने पे किसी एक वैल्यू पे हाइपोग्लाइसीमिया होगा ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है मुझे ये पता है कि अगर ए इस वैल्यू से कम है है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ वो ए बच्चों नॉर्मल कहलाती है तो ए नॉर्मल है तो मेरा जवाब भी बी है और ऐसा तकरीबन तकरीबन 93 परसेंट बच्चों ने जवाब लिखा है वेनर द क्लाइंट हैव लेस फ्रॉम 5.5 पॉइंट फाइव परसेंट ए वन सी विच जैसे इट इज़ ए नॉर्मल ए और इसके अंदर आइपोग्लाइसीमिया का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो तीन से कम हो दो से कम हो तो आइपोग्लाइसीमिया ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और काफी बच्चों ने ध्यान रखा इस बार इस बार कहानी पे क्लियर है अड़िग रहे अड़े रहे खड़े रहे और बोले कि सर इस बार हम हाँ बदलती हुई हवाओं के साथ में बिकलने वाले नहीं है इस बार निकलने वाले कुछ बच्चे अभी तक अगरबत्ती नहीं लगा पाए हैं और थोड़ी गलत फहमी है कि नॉर्थ सेट थोड़ा इजी है इजी नहीं है प्रिलिम सही है और यहाँ पे ट्रिकी की क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आइडेंटिफाई कर दो फ्लोर को वेंचुरी मास की इमेज की ये वेंचुरी मास्क की इमेज है आई होप आपको अच्छे से दिख नहीं रही होगी क्योंकि थोड़ी वाइट इमेज है तो मैं फोर के दे, दे देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए है ना ये वेंचुरी मास्क है और वेंचुरी मास्क की फ्लो रेट बतानी है इसको देख के वेंचुरी मास्क जो है इसमें कलर कोडिंग चलती है आप सभी जानते हो और इसमें फ्लो रेट बतानी है आपको इस फोटो को इस शक्ल को देख के स्पीड के साथ में पॉल चालू कर दूँ आपने देख लिया हो तो पॉल शुरू हो चुका है शक्ल आपके सामने है वेंचुरी मास्क है एग्जाम का सवाल है और ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम का सवाल है और जरूर पूछा जाएगा आपको इस बात का तो तय बात है ठीक है हाँ तो सभी को इसका जवाब देना है पूरे मन से पूरे उत्साह के साथ में कलर देख लो शकल देख लो और जवाब दे दो क्लियर हो गया चलिए तो अब यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को समझ नहीं है, है ना इस सवाल के को लेकर हम आगे बढ़े तो अब आपने देख लिया होगा तो मैं इसको स्विच कर देता हूँ है ना तो हमने यहाँ पे वेंचुरी मास की बात की ये कलर आपको वाइट मिला यहाँ पे है ना हाँ कलर आपको वाइट मिला ऐसा आपने यहाँ पे देखा देखा आपने तो वाइट कलर किस में आता है या कितना लीटर होता है तो हम सभी जानते हैं कि कलर कोडिंग जब करते हैं तो ये कलर कोडिंग है है ना सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले कलर कैसा होता है आप सभी ने देखा होगा ये कलर आपके सामने है ब्लू कलर फिर होता है वाइट कलर वाइट कलर वाइट फिर ऑरेंज ऑरेंज फिर येलो येलो फिर रेड और फिर ग्रीन और इसके अंदर परसेंटेज वैल्यू की मैं बात करूं, है ना ऑक्सीजन परसेंटेज की तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा दो से चार लीटर पर मिनट चार से ये वाइट में ध्यान रखना छः से आठ आठ से दस दस से बारह और बारह से चौदह और ये हमेशा सा, सारा का सारा परसेंटेज वैल्यू किस में होगा लीटर पर मिनट में तो यहाँ पे मैं मैं अगर पहले इस वैल्यू से निकालूं तो वाइट का कलर कोडिंग है चार से छः तो चार से छ कहाँ दिया हुआ ये देखो चार से छः तो मेरा करेक्ट आंसर तो बी बन गया और मेरा ही नहीं बहुत सारे रसगुलों ने बी आंसर दिया होगा है ना हाउ मच पीपल सेट द बी आंसर सेवेंटी सेवन यहाँ पर नाइन परसेंट बच्चों ने ये आंसर दिया है ब्लू वाला कलर कोड है दो से चार और सात परसेंट बच्चों ने सी दिया है है ना तो जो है ये थोड़ा सा अभी भी हमें डाउट है इन चीज़ों को लेके हम क्लरिफाई नहीं है ये जो पहला आंसर जो दिया है जिन बच्चों ने ये कलर कोड तो है ब्लू बच्चों ब्लू वाले में है ना और ये हो गया आपका वाइट और ये जो छः से आठ है ये क्या हो गया ऑरेंज है ना और आठ से बारह येलो है फिर आपका जो है आठ से बारह आपका क्या है येलो है तो ऑरेंज और येलो है ठीक है और दस से बारह और बारह से चौदह यहाँ पे रहता है ना आठ से दस होता है बेसिकली फिर दस से बारह और बारह से चौदह तो आठ से दस एग्जैक्टली येलो होता है तो आठ से दस होता है और दस से बारह और बारह से पंद्रह चौदह लिखा क्या पर पंद्रह बारह से पंद्रह ये कहानी यहाँ पर रहती है तो करेक्ट आंसर इसका तो क्या हो गया बी हो गया ये आप सभी जानते हैं है ना बी आंसर है अब मैं यहाँ पे कलर कोड की बात कर दी मैंने दो से चार चार से छह से आठ आठ से दस दस से बारह और बारह से पंद्रह इसका परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगा ये अगला इंपॉर्टेंट है कितना रहता है बच्चों परसेंटेज वैल्यू सबसे कम से कम कितना करते हैं हम सबसे कम से कम सर ट्वेंटी फोर परसेंट करते हैं ना फिर चार जोड़ दो अट्ठाईस परसेंट फिर बत्तीस परसेंट है कि नहीं आपको ये क्या मतलब है इतना कंसंट्रेशन आप ऑक्सीजन का बना सकते हो इतना लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करोगे तो इतना परसेंटेज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का वहां पर बन जाएगा यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है उसके बाद में थर्टी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट कंसेंट्रेशन और फिर सिक्सटी परसेंट कंसेंट्रेशन ये कंसेंट्रेशन वैल्यू किसकी है ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन वैल्यू है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम है ऑक्सीजन का टोटल कंसेंट्रेशन वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो पहला जो है यहाँ पे ये यह कलर कोडिंग है ये आपका ब्लू है ब्लू के बाद में दूसरा कौन सा है वाइट है ये हमने आपको बताया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपको याद रखनी ही रखनी है बच्चों क्योंकि यहाँ से सवाल आता है नॉर्थ सेट इसको पूछता है कलर कोडिंग का सवाल है ये सवाल है इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।, है ना आप देखो कि ये कैसे याद होगा तो मैं बताता हूँ ये कैसे याद होगा बहुत आसान है है ना याद करना लेकिन याद करना आपको ही पड़ेगा बी डब्ल्यू यानी कि ब्लू वाइट वाइट है ना और उसके बाद में ब्लू वाइट ऑरेंज येलो रेड और ग्रीन इजी है? इजी है सर कर लोगे याद एग्ज़ाम से पहले करोगे या एग्जाम के बाद में करोगे पहले ही कर लेंगे सर एग्ज़ाम के बाद में याद करेंगे तो अगले एग्जाम में काम आएगा इसमें क्या काम आएगा हाँ ये वही ना बात ये वाला एक पार्टेशन है और दूसरा वाला ये पार्टनसर है, है। परसेंटेज वैल्यू आपको साइमन टैनियस याद रखनी ध्यान रखना सभी को कि मेरी परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी है कि नहीं चलिए देते हैं इसको बढ़िया कलर और ये आप सबको अपने पास में इस इस कलर को संभाल के रखना है ये कलर कोडिंग आपकी है है ना और ये कलर कोडिंग जो है एक जैसी ना करें हम और सेम कलर कोडिंग करें तो आपको और मज़ा आ जाएगा आज ब्लू है पानी पानी ये ब्लू कर दिया हमने वाइट को व्हाइट रहने देते हैं ऑरेंज कलर कैसा होता है दिस इज ऑरेंज कलर और वाइट को वाइट रहने देते हैं दिस इज ऑरेंज कलर है ना और उसके बाद में येलो आर्मी लेके आ जाते हैं तो ये येलो कलर आ जाएगा आप सभी की मांग पे बैठ डिमांड पे और रेड कलर तो ये रेड कलर आ जाएगा आसान सा है ना ये रेड कलर है और उसके बाद में ग्रीन कलर तो ये कलर कोडिंग आपके दिमाग में थोड़ी सी सेट हो जाएगी एग्ज़ाम में आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा काम है ना जब कलर कोडिंग हम पढ़ते हैं और वो कलर कोडिंग हमें याद रहती है तो एग्ज़ाम में हमारे लिए काम थोड़ा क्या हो जाता है आसान तो ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो रेड और ग्रीन और इनका ये नंबर है और आगे इसका परसेंटेज वैल्यू है ये परसेंटेज वैल्यू और यह नंबर यह चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों है ना पहला कौन सा है ब्लू व्हाइट ऑरेंज येलो और अब इसके आगे जो नंबरिंग किया हमने ये नंबरिंग का वैल्यू जो है यह आपको सारा का सारा इजीली याद हो जाएगा अब नंबरिंग का वैल्यू जो है नंबरिंग ये आपको इजीली याद हो जाएगा जिसको हमने दो से चार बोला चार से छः से आठ है आठ से दस है दस से बारह बारह से सोलह है बारह से पंद्रह और इसके बाद में ये जो वैल्यू है आपका चौबीस अट्ठाइस बत्तीस पैंतीस चालीस और साठ दिस इज वेरी इजी चार्ट तो अब इस चार्ट को आपको याद कर लेना अच्छे से यू कैन टेक ए सेल्फी ले सकते हो आप और एग्जाम में आएगा मैं पहले बता रहा हूं तो आप चार्ट आपको याद करना है परसेंटेज वैल्यू आपको याद करनी है मैं आपको दे सकता हूं बना के ठीक है डन है चलिए तो यहां पे ये एक चार्ट आप लोगों के लिए स्पेशल और यहां पे आंसर चार से छः होगा ये बात भी तय है और मैंने परसेंटेज वैल्यू आपको बता दी है वेंचुरी के लिए है किसके लिए बच्चों वेंचुरी के लिए है कैसे भी याद रखो बढ़िया से फोटो याद करके रखो साथ में लेके रखो रस्ते में चलते चलते याद कर लेना ये फोटो आपके बहुत काम आएंगे और जब एग्जाम दोगे ना तब याद करोगे ये गारंटी है मेरा है ना किस तरीके का चार्ट कोई बनाता था सुबह सुबह पांच बजे छह बजे चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर विच टाइप ऑफ एसिड बैस इंबेलेंस इज कॉमनली कॉमनलीज बाय डायोरेटिक यूज अच्छा सवाल है एसिड बैस इम्बेलेंस डायरेटिक यूज के लिए एसिड बैस इंबेलेंस है डायुरेटिक को लेके सवाल पूछा है क्या आंसर होना चाहिए हाँ रोल कैमरा एक्शन ऑरेंज में थर्टी वन परसेंट होगा एक रसगुल्ला कह रहा है कौन सा थर्टी वन बचे ये वाला ये ज्यादा मैटर नहीं करता है इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट होने का जरूरत नहीं है इकतीस बत्तीस भाई बहन है इतना आपको कोई नहीं पूछेगा तीस इकतीस बत्तीस तैतीस कितना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है इकतीस और बत्तीस का इतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं है वो इकतीस भी कर सकते हो आप थर्टी वन कर दो थर्टी टू कर दो दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट हाँ चलो अगले सवाल का जवाब लिखो एसिड बेस इम्बेलेंस जब डायोरेटिक आप यूज करते हो तो डायोरेटिक क्या करेगा एच प्लस आयन को बॉडी से एक्सकेट आउट कराएगा जब भी आपकी बॉडी में एच प्लस आयन ज्यादा बाहर जाएंगे तो बॉडी के जितने भी एच टू सी थ्री है उसमें से एक एच निकल जाएगा तो पीछे बचेगा एच सी थ्री और एच सी थ्री है बाइकार्बोनेट जिसका वैल्यू बढ़ जाएगा यह एल्केलाइन है और ये जब बढ़ेगा तो ये पीएच को भी क्या कराएगा बढ़ते हुए क्रम में ले जाएगा मैंने बोला जब बॉडी में एसिड वैस इम्बेलेंस गड़बड़ होगा डायोरेटी की वजह से तो डायोरिटी किसको बाहर बेचता है? है एच प्लस साइन को जैसे अगर कोई मरीज हाइपर वेंटिलेट होता है तो सी टू बॉडी से बाहर जाती है है ना तो एच टू सी थ्री टूटेगा टु सी टू बाहर जाएगी पीछे पानी पानी बचेगा और सी टू की एक्सक्रीशन होने पर जो बॉडी में होता है चेंजेज वो एच प्लस साइन के जाने से होगा तो पीछे क्या बचेगा एच सी थ्री और एच का वैल्यू बॉडी में बढ़ जाएगा तो पी का वैल्यू बढ़ जाएगा क्योंकि एच सी ओ थ्री बाईकार्बोनेट है एल्केलाइन है तो बॉडी में होगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस क्या होगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जो यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए में मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस अब मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे जो बॉडी में रहेगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस ये एच प्लस आइन के एक्संस होगा अगर मुझे एसिडोसिस का बोला जाता तो ये रीनल फेलियर में होगा किस में होगा रीनल फेलियर में जब यूरिन नहीं बनता है जब एच प्लस आइन बाहर नहीं जाता है एच प्लस आइन रिटर्न करता है तब मेटाबोलिक एसिडोसिस होता है रेस्परेटरी एल्कोलोसिस कब होता है जब मरीज हाइपर वेंटिलेट होता है क्या होता है हाइपर वेंटिलेट वेन एवर क्लाइंट हैेंटिलेट तब ये होता है और रेस्परेटरी एसिडोसिस कब होता है एसिडोसिस कब होता है जब मरीज सी को रिटर्न करता है क्या करता है सीओ टू रिटर्न सी ओ टू रिटर्न करता है तब ऐसा होता है

वो आपका तकरीबन तकरीबन सिक्सटी है है ना मरीज़ का बाइकार्बोनेट का जो वैल्यू है वो तकरीबन तकरीबन थर्टी एट है और मरीज़ का पी ओ टू का वैल्यू जो है वो तकरीबन तकरीबन एट्टी फोर है तो आपको ये बताना है कि इस मरीज को कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस है आपको ये बताना है कि इस मरीज़ को कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस है मैं चार ऑप्शन यहाँ पे आपको देना पसंद करूंगा और पहला ऑप्शन मेरा जो रहेगा वो रहेगा आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ये एक ऑप्शन है मेरा दूसरा ऑप्शन मेरा रहेगा पार्शियली कंपनसेटेड पार्शियल कंपनसेटेड कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ना मैं अगला दूंगा जो है आपका कंपनसेटेड कंपनसेटेड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक यहाँ पे है Uh, जो है मिक्स्ड रेस्पिरेटरी एंड मेटाबोलिक एसिडोसिस या कंबाइंड एक वर्ड यूज कर देते हैं कंबाइंड कंबाइंड मेटाबोलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बहुत अच्छा सवाल है एक वैल्यू ऐसे है और एबीजी की इस रिपोर्ट की वैल्यू है ये इस वैल्यू के आधार पे आपको जवाब देना था कि ये जो कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस या कंबाइंड मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आएगा सवाल तो आएगा सवाल आएगा और आएगा तो हम गलत और करेंगे एग्जाम में क्या होना चाहिए बताओ जब भी ऐसा न्यूमेरिकल सवाल आ जाए जैसे यहाँ पे ए आंसर दिया है बहुत सारे बच्चों ने है ना किन्होने सी आंसर लिखा है किन्होंने बी भी लिखा है और किन्ों ने डी भी लिखा है जो ऑफलाइन वाला है वो डी आंसर देंगे क्यों भाई अच्छा लेकिन वो सवाल नहीं पढ़ रहे हैं अगर डी दे रहे हैं तो है? <laughs> सुनो बच्चों सुनो मैंने यहाँ पे क्या बोला ये पीएच है कैसा है एसिडिक पीएच कैसा है एसिडिक है और सीओ टू क्या है ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो ही गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो ही गया बाइकार्बोनेट क्या है ज्यादा है एसिडोसिस को कम करने के लिए बड़ी है क्या कर रही है कंपनसेट क्या कर रही है कंपनसेट कर रही है क्या पी एच नॉर्मल हो गया नहीं तो कंपनसेशन कैसा हो गया पार्शियल कैसा हो गया पार्शियल और ऑक्सीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है तो पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहां पे है पार्शियल कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कहानी है तो आंसर बी बनेगा ना कि डी बनेगा प्रॉब्लम यही है कि हम सवालों को रटते हैं हम समझते नहीं है जब तक हम सवाल समझना शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारा मामला गंभीर होता जाएगा आप सवाल को समझना शुरू करो ऑप्शन को पढ़ना शुरू करो ल्यू को देखना शुरू करो और उसका एसिड बेस इंबेलेंस निकालना शुरू करो अगला सवाल है वह है वाट नर्सिंग मैनेजमेंट प्राइमली फोकस ऑन कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट वाट नर्सिंग मैनेजमेंट प्राइमरी फोकस नर्सिंग मैनेजमेंट का प्राइम फोकस क्या होता है एडमिस्ट मेडिकेशन टू पेशेंट मरीज को दवाई लगा दो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट देना मरीज की फैमिली को एंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर थ्रू एफिशियंट यूज ऑफ नर्सिंग रिसोर्सेज क्वालिटी केयर देना कंडक्टिंग मेडिकल प्रोसीजर अंडर ए गाइडेंस ऑफ फिजिशियन के गाइडेंस में मेडिकल प्रोसीजर कंडक्ट कर फोकस्ड प्राइमरी नर्सिंग मैनेजमेंट आपका प्राइमरी नर्सिंग मैनेजमेंट किस बात पर फोकस करेगा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी रसगुलों के लिए कि आज दोपहर को तीन बजे कितने बजे बच्चों तीन बजे एक ऐतिहासिक सेशन होगा नॉर्थ सेट के एग्जाम से पहले नॉर्थ सेट के एग्जाम की खोपड़ी को फोड़ने के लिए जो नॉर्थ सेट का हथियार सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक एग्जाम एक, एक, एक क्लास और एक क्लास में सब कुछ तो स्पेशल सेशन रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पूरे मन से पूरे जोश पूरे पागलपन के साथ में जुड़ जाइएगा क्योंकि आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, है ना तो यहां पे दोपहर को तीन बजे तैयार रहना थ्री पी लेके आ रहा हूं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्पेशल सेशन एग्जाम से पहले एग्जाम वाला सेशन ठीक है तो यहां पे मैनेजमेंट प्राइमरी किस पे फोकस करेगा क्वालिटी केयर पे पेशेंट ओरिएंटेड केयर क्वालिटी केयर होनी चाहिए और क्वालिटी केयर कैसी होनी चाहिए पेशेंट ओरिएंटेड तो आपका प्राइम फोकस इस बात पे रहना चाहिए कि क्वालिटी पेशेंट केयर देना और वो भी एपिशियंट नर्सिंग रिसोर्सेज के साथ में सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है और डेफिनेटली सभी बच्चों ने सही लिखा है कुछ बच्चे इमोशनल सपोर्ट को फोकस करें वो भी फैमिली मेंबर को मरीज से कोई लेना देना नहीं इनको ए? मरीज के कोई लेना देना नहीं है फैमिली मेंबर को इमोशनल सपोर्ट दे देंगे अरे फैमिली मेंबर तो मरीज को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए है और तुम फैमिली मेंबर को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो लालो है मामला थोड़ा गंभीर है कि नहीं है वाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वैक्सीन एड वैक्सीन के अंदर एडजुन का प्राइमरी फंक्शन क्या है ऐसा सवाल ने पूछा है एक बार अपनी तरफ से बेस्ट आंसर लिखना वैक्सीन में का प्राइमरी फोकस किस पे वैक्सीन में एडजुएट जो होता है एडजुन उसका प्राइमरी फोकस किस पे है ऐसा सवाल ने पूछा है <coughs> एडजुंट का प्राइमरी फोकस किस पे नाउ योर पॉल स्टार्ट नाउ पहला यहां यहां पे पे लिखा लिखा हुआ है है पहला द टेस्ट ऑफ द वैक्सीन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द वैक्सीन बूस्टिंग द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द वैक्सीन एंटीजन एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ एडजुएंट फटाक से आंसर लिखना पॉल चल चुका है आंसर आपका अपना होना चाहिए व्हाट इज द रोल ऑफ एडजुएंट

वन इज़ बूस्टिंग द इम्यून रेस्पॉन्स एंड वन इज डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन तो एडजुएंट कॉस्ट को कम नहीं करते हैं ये भी गलत स्टेटमेंट है आज से याद रख लेना बहुत सारे वैक्सीन होते हैं उसके साथ में उसका एडजुएंट काम में लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एडजुएंट दिस एडजुएंट बूस्टिंग द इम्यून रेस्पॉन्स टू द वैक्सीन वैक्सीन के इम्यून रेस्पॉन्स को बूस्ट अप करने का काम करता है एडजुएंट वैक्सीन का काम क्या है बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना तो वैक्सीन का जो भी इम्यून रेस्पॉन्स है जितना इम्यूनिटी देगा ये उसको और ज्यादा बूस्टअप करता है ताकि और अच्छी इम्यूनिटी मरीज को वहां पे वैक्सीन से मिले सी यहां पे करेक्ट आंसर है ए बी ओ डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है समझ लो बात को कि ये बूस्टअप करता है वैक्सीन के इम्यून रेस्पॉन्स को एडजुएंट एडजुएंट मतलब वैक्सीन के साथ में मिक्स करते हैं याद रहेगा क्या बच्चों बात समझ में आई सभी को हाँ। बातें, नहीं बात समझनी है सिर्फ बातें नहीं बात समझनी है सिर्फ पहले बता रहा हूं मैं और कुछ बच्चों को गलत फहमी है है ना वो गलत फहमी दिमाग से निकाल दो बच्चों सेवेंटी परसेंट बिल्कुल सही है और उनतीस परसेंट बच्चे गलत स्टेटमेंट पे है ना उनतीस परसेंट बच्चों का मामला थोड़ा गलत है अगरबत्ती लगा के सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है और बात नहीं सिर्फ आंसर देना है अगला सवाल सवाल भी आपको पढ़ना है ऑप्शन भी आपको पढ़ना है मैं एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए ले के आ रहा हूँ तो आप लोगों को पूरी स्पीड के साथ में इस सवाल को पढ़ना है इसके चारों ऑप्शन को पढ़ना है और फिर अपना बेस्ट जवाब देना है जो आपको जवाब इसमें से बेस्ट लगे वो आंसर देना है पोल आपका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहले आप सवाल को लेके कन्फर्म कौन, और कॉन्फिडेंट हो जाएगा फिर आपको पोल से जवाब देना आसान हो जाएगा <coughs> तो आपका पोल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पोल इज स्टार्टेड नाउ एंड गिव योर बेस्ट आंसर बिकॉज क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन इज वेरी इजी व्हाट द इज फर्स्ट डोज ऑफ एमएमआर वैक्सीन टिपिकली एडमिनिस्ट्रेशन एट बर्थ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ और टू ईयर तो जो आप ढूंढ रहे हो वो शायद इसमें ना मिले जो आप ढूंढ रहे हो वो शायद इसमें ना मिले लेकिन हाँ वो जरूर है जिसकी जरूरत यहां पे रहेगी आपको या जिसके लिए आपको जवाब देना है वो यहां पे अवेलेबल है दो बातें यहां पे इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता होना चाहिए एक महत्वपूर्ण न्यूज और you <clears throat>

वैक्सीनेशन शेड्यूल में एम तीनों नहीं है ध्यान रखना है ना तो तो सिर्फ मीजर्स आता है लेकिन हमने यहाँ पे बोला कि मंथ पे नहीं है तो आंसर क्या रहेगा ट्वेल्व मंथ तो मंथ यहाँ पे करेक्ट कर देना अगला प्रश्न है व्हाट इज द नॉर्मल कन्वर्जेशन करते हैं करते हैं तो कितना डेसिबल साउंड रहता है नॉर्मल कन्वर्जेशन con में ऐसा सवाल ने पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल देशन डेसिबल साउंड योर पॉल स्टार्ट नाउ थर्टी फोर्टी फिफ्टी और सिक्सटी वट इज द नॉर्मल कन्वर्जेशन डेसिबल साउंड लॉस का डेसिबल अलग है वो अलग अलग परसेंटेज वैल्यू है नॉर्मल कन्वर्जेंट कन्वर्जेशन डेसिबल साउंड जो है साउंड की तीव्रता के आधार पे होता है है ना तो यहाँ पे तीस चालीस पचास साठ में अगर मान लो कोई विस्परिंग करता है विस्परिंग मतलब फूसफूस आता है आपस में बात करते हैं ना फूसफूस आते है. तो फुस फुस आता है तब थर्टी डेसिबल होता है विस्परिंग में अगर कोई विस्परिंग साउंड करता है फुस फुस आता है तब थर्टी डेसिबल होता है नॉर्मल कन्वर्जन जब हम करते हैं आपस में टॉक करते हैं बात करते हैं तो ये सिक्सटी डेसिबल होता है है ना कोई वाहन होता है मोटरसाइकिल वगैरह ये चलती है तो नाइन्टी डेसिबल और उसके अबो होता है और लगातार वो आप सुनते रहो तो ईयरिंग लॉस होता है प्रोफाउंड टाइप का अलग अलग लेवल हमने बताया ना तो यहाँ पे तेरह बच्चे इसे जवाब दे पाए अलग-अलग वैल्यू -अलग है देखो चौबालीस बाईस उन्नीस तेरा तो सबका नॉर्मल का डेसिबल साउंड अलग अलग है सब अपने चलो कोई ना आपका अपना कन्वर्जन आप अपने लेवल पे इसको करें। गलता हो गया तो कोई बात नहीं चलेगा विच लेवल डाटा इंटू द डिस्टिंग सिग्निफिकेंस कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ये बात है यहां पर सवाल ने बोली है सवाल कह रहा है कि कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट कैटेगराइज करता है डाटा को डिस्टिंग कैटेगरी के के सिग्निफिकेंस चार ऑप्शन है पहला रेशियो ऑर्डिनल इंटरवल और स्केल अच्छा सवाल है हा कि वहां पे कैटेगराइज जब हम करते हैं तो डिस्टिंग कैटेगरी में कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है रेशियो ऑर्डिनल इंटरवल और नॉमिनल नंबरिंग वाला क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको यहां पे फटाक से जवाब लिखो बहुत बढ़िया बात बढ़िया देखो यहां पे चार स्केल हमने दी है। चार स्केल हमने दी है। हर एक स्केल का एक न एक क्वेश्चन आपको मिलता है कौन सी स्केल किसके लिए होती है जैसे अगर मैं पहली स्केल बोलूं रेशियो स्केल तो आप क्या बताओगे रेशियो स्केल किस में काम में लेते हैं मतलब ऐसा कौन सा मेजरमेंट होता है जिसमें रेशियो स्केल यूज होगा रेशियो मतलब यहां से यहां तक इतना फलाना डिमकाना मैंने इतना और बता दिया यहां से यहां तक बताओ रेशियो स्केल किस में काम में लेते हैं एं? एंथ्रोपोमेट्री हम पढ़ते हैं ना तो न्यूनेटल एंथ्रोपोमेट्री में जैसे किसी वजह वज़े का वजन मेजर करना मुझे एंथ्रोपोमेट्री में क्या होता है वेट होता है हाइट होता है हेड सरकम्प्रेंस होता है चेस्ट सरकम्प्रेंस होता है और इनको मेजर करते हैं है ना किलोग्राम में ग्राम में, में मीटर में सेंटीमीटर में इंच में फिट में ये सारे के सारे न्यूमेरिकल स्केल है जो रेशियो स्केल में आते हैं तो रेशियो के एग्जाम्पल है सारे के सारे रेशियो स्केल ऑर्डिनल स्केल अगर पूछा जाए आपको ऑर्डिनल ऑर्डिनल तो ऑर्डिनल से आप क्या मेजर करते हैं रेशियो स्केल समझ में आई ये जो परसेंटेज है किलोग्राम है ग्राम है मीटर है सेंटीमीटर है ये सब इसी में आता है ऑर्डिनल से क्या मेजर करते हैं ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ध्यान रखना कौन सी स्केल से क्या मेजर करते हैं तो ऑर्डिनल स्केल से क्या मेजर करते हैं जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है डिग्री है ये सारा ऑर्डिनल ऑर्डिनल स्केल से मेजर होता है डिप्लोमा डिग्री बारहवीं पंद्रहवीं सोलहवीं ऐसा इंटरवल स्केल जो होता है इंटरवल इंटरवल में क्या होता है कि इंटरवल होता है मैंने बोला बीच में एक जैसे टेम्परेचर चेक करते हैं हम सेल्सियस फॉरनाइट है ना तो ये टेम्परेचर का जो स्केलिंग होता है टेम्परेचर स्केल सेल्सियस के अंदर फॉरन हाइट के अंदर ये जो होता है ये आपका इंटरवल स्केल है तो ये तीनों यहाँ पे सही नहीं है करेक्ट क्या होगा नॉमिनल स्केल नॉमिनल स्केल फॉर न्यूमेरिकल मेजरमेंट फॉर न्यूमेरिकल मेजरमेंट वी आर यूजिंग ए नॉमिनल स्केल है ना तो डी यहाँ पे करेक्ट है सॉरी जिसमें कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं हमने बोला नॉमिनल स्केल हुआ है जिसमें कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो नॉमिनल स्केल से क्या मेजर करते हैं बच्चों क्या मेजर करते हैं नॉमिनल स्केल से जैसे हमने रेशियो स्केल से किया ये वेट हाइट हैड सरकमेंस एड सरकमेंस यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आया यहाँ पर यह सर आया इस नॉमिनल स्केल से आप क्या मेजर करोगे तो नॉमिनल स्केल से हम मेजर करते हैं जैसे आई का कलर आई कलर हो गया है ना कि मरीज का आई ब्लू है या ब्राउन है ब्लैक है ये क्या है ये आपका आई कलर है तो ये कौन सी स्केल होगी ये आपकी नॉमिनल स्केल होगी तो डी आप पे करेक्ट है इसमें नंबरिंग नहीं है बिल्कुल भी इसमें नंबरिंग नहीं है नाइन्टी परसेंट बच्चों ने सही लिखा और बाकी स्केल के मैंने वर्णन कर दिया कि कौन सी स्केल आपकी कहाँ पे काम आएगी ऐसा एग्जाम में आपको समझना है क्या क्या स्केल है क्या कहाँ काम आएगी अगला है आफ्टर सक्सेसफुल सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट व्हाट इज द क्रूशियल नर्सिंग इंटरवेंशन सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट के बाद में कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा एनकरेज द पेशेंट टू मूव द अफेक्टेड लिम फ्रिक्वेंटली मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एट द इंसर्जन साइट इंक्रीज द रेट ऑफ इंट्राविन फ्लूड एडमिनिस्ट्रेशन और रिमूव द सेंट्रल लाइन कैथेटर एज सुन एज पॉसिबल सेंट्रल लाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है नॉर्थ सेट इसको प्रायोरिटी देता है और सेंट्रल लाइन से कुछ ना कुछ नॉर्थ सेट पूछता है सेंट्रल लाइन का पोस्टमार्टम हम कल सुबह की क्लास में करेंगे लेकिन आज दोपहर को तीन बजे हम पोस्टमार्टम करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ध्यान रखना आज दोपहर को तीन बजे जो है हम पोस्टमार्टम करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आज दोपहर को तीन बजे कल तीन बजे होगा फार्मेकोलॉजी का है ना और तेरह तारीख होगा एग्जाम से पहले एग्जाम वाली परीक्षा लेकिन इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात वह है कि ऑल इंडिया लेवल पे कल जो है होने जा रहा है एग्जाम से पहले एग्जाम वाली परीक्षा वाला सेशन ऑल इंडिया लेवल पे कल सुबह होने जा रहा है एग्जाम से पहले एग्जाम वाली परीक्षा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोगों को ये जान के अच्छा लगेगा मैं ऐसा मानता हूँ तो अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली जो है इस आ, के साथ में खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हो एक महत्वपूर्ण जो है चीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं और ये एग्जाम के लिए आपकी आपकी मदद करेंगे ये बात तो तय है तो ये क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए है स्पेशल और इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है आप लोगों के लिए वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले वो चीज़ के साथ में आत्मसात होंगे तो एग्ज़ाम मैं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको बहुत मदद होने वाली है है ना तो आई आई जस्ट वॉन्ट टू शो आप दैट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू यू पीपल ताकि आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हों और आपका एग्ज़ाम जो है सबसे हटके और ज़बरदस्त होवे क्या आप सुनना चाहेंगे जैसे कि आपको पता ही कि हमने ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया था आपको रिमेंबर होगा बच्चों ऑफलाइन टेस्ट हमने पढ़ा था पूरा का पूरा और ऑफलाइन टेस्ट कैरिड आउट हुआ बहुत सारे बच्चों ने वहां पे रैंक भी प्राप्त किए उसी तरीके का एक स्पेशल सेशन जो है वो ऑनलाइन लेके आ रहे हैं हम कहा लेके आ रहे हैं ऑनलाइन एक स्पेशल सेशन जो है उसको हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं और ये ऑनलाइन जो सेशन है ये कहां पर होगा ये ऑनलाइन सेशन कहाँ पे होगा सर इसका हमें आइडिया नहीं है आप बता दो जरा तो बताऊंगा मैं और फिर आपको आज रिजल्ट भी देने वाला हूँ दोनों बातें यहाँ पे होगी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों के लिए एंड द न्यूज़ इज हाँ वन से मिनट मुझे क्या टेक्निकल काम खुद ही करना पड़ रहा है आज तो आप लोग के लिए करना जरूरी भी है जब क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन के बच्चों ने ऐसा बोला कि सर ऑफलाइन में तो टेस्ट हुआ लेकिन हमारा टेस्ट हुआ नहीं तो हमने बोला ओके हम इस बात का जो है वापस वादा करते हैं और हमने ये तय किया कि ऑनलाइन भी हम आप पे टेस्ट कराने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पे और ये ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कैरिड आउट कराने जा रहे हैं उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ताकि आपकी एग्ज़ाम में एक शानदार जानदार और ज़बरदस्त वाली तैयारी हो है ना ऑनलाइन टेस्ट भी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्पेशली चलो तो यहां पे मैं एक न्यूज आपको बताई देता हूं कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कर क्या रहे हैं सर कुछ नहीं कर रहे बच्चों आप लोगों के लिए तो ये तो एक टारगेट बैच की कहानी हुई अगर आप ई एस या डी ट्री प्लस बी की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हैं न्यूज़ क्या है न्यूज़ ये है बच्चों नॉर्थ सेट सिक्स के लिए ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है ऑफलाइन टेस्ट तो अभी हमने कंडक्ट करवाया था उसका रिजल्ट भी दे दिया था ऑनलाइन ये टेस्ट जो है वो ऐप के ऊपर होगा टेस्ट ग्यारह अप्रैल यानी कि कल होगा और कल ईद है और ईद के दिन आपको ईदी के रूप में टेस्ट मिलेगा ऐसा समझो और आपको ये क्यू आर कोड स्कैन करना पड़ेगा खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए और कुछ नहीं करना है आप खुद को रजिस्टर्ड करें और इस ऑनलाइन टेस्ट को जरूर दें नॉर्थ सेट के एग्जाम से पहले फ्री है ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री है आप घर बैठे ये टेस्ट देके अपने स्कोर का आंकलन कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट सभी लोगों के, आ, के साथ एक साथ दे सकते हो क्यू आर कोड को स्कैन कैसे करना है तो मोबाइल में स्कैनर है ना बच्चे उससे स्कैन करना है स्कैनर होता है उससे स्कैन करते हैं है ना स्कैन नहीं करना आता है तो मामला गंभीर है है ना इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी ये पोस्ट है वहाँ से स्कैन कर लो इसके अलावा फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो के अंत में हम लिंक देंगे कम्युनिटी पोस्ट में लिंक दिया हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट आती है ना उसमें रजिस्ट्रेशन का लिंक है उत्कर्ष के टेलीग्राम चैनल पर रजिस्ट्रेशन का लिंक है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है राजू सर नर्सिंग वाला वहाँ पर भी मैं लिंक डाल दूंगा है ना तो कहीं से भी आप लिंक से ये कर सकते हो रजिस्टर्ड कर सकते हो अलग अलग जगह पे हम लिंक डाल देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए ठीक है तो आपको क्या करना है इसको लिंक करना है स्कैन करना है और फिर उसमें अपनी डिटेल भर के आपको खुद को वो करना है रजिस्टर्ड करना है इसके अलावा आज दोपहर को तीन बजे नॉर्थ सेट सिक्स के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हम मिलने वाले हैं समय याद रखना दोपहर को तीन बजे आंकड़ा नया और कहानी यह है कि एक क्लास में इस स्पेशल सब्जेक्ट की पूरी कहानी हम लिख डालेंगे है ना तो ये आज आपको पूरे मन से पूरे उत्साह के साथ में तैयार रहना है मेडिकल सर्जिकल के इस स्पेशल माह एपिसोड के अंदर और अपने आप को कॉन्फिडेंट करना इस एग्जाम के लिए अगर आप नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं और एम प्रैक्टिस करना चाहते हैं आखिरी वक्त पे तो पच्चीस मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर अवेलेबल है तो चलिए आज के सेशन को देता हूँ यहीं पर विराम दोपहर को ठीक तीन बजे फिर से मुलाकात होगी मेडिकल सर्जिकल स्पेशल सेशन के साथ में करेंगे कंसेप्स स्टडी तो याद रखना कितने बजे तीन बजे तीन बजे याद रखना हाँ और क्या करेंगे नॉर्थ सेट की खोपड़ी फोड़ेंगे यहां से सभी लोगों को तैयार रहना है दोपहर को तीन बजे तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में एक सुंदर सी लाइन की ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और सोगन महादेव की हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए संकल्प सिर्फ एक है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो मिलता है दोबारा लेकिन उससे पहले जिसका था था इंतजार वो घड़ी तो आई नहीं हाँ तो वो घड़ी तो आनी चाहिए ना भाई जिसका इंतजार था मैं खास तौर पे वो घड़ी सर आई नहीं वो इसलिए नहीं आई क्योंकि कई बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई तो घड़ी आने में टाइम लग जाता है अगरबत्ती लगाइएगा और ये घड़ी आ चुकी है टिंकू टिंकू की आज पहली रैंक है देवी भावना जोशी रिप्लेक्स ज्योत्सना यादव तीनों बच्चों के लिए भाई टिंकू देवी और भावना ज्योत्सना अंशु चित्रलेखा साहू प्रतिमा सिंह जय सिंह मीणा उमा चौधरी चौहान रीना सुजाता टूटू के फूफा जी शिवांगी कुमारी प्रियंका सिंह बेबी गर्ल अभिशा कित्तू साहित्य गुप्ता और पूजा यादव ये टॉप ट्वेंटी बच्चे हैं टिंकू देवी और भावना ने यहाँ पे आज बाजी मारी है चलिए मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में दोपहर को तीन बजे तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत जय महाकाल